हेलो दोस्तों, तो हमारा फिर से न्यू क्वेश्चन है। 22 को शुरू करते हैं। कहता है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जाता है तथा 5 और अधिक वर्ष के बाद 10-20 रुपया हो जाता है, तो धनराशि बताएं। इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहा है 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष का एसआई ब्याज वाले, तो साधारण ब्याज 10-20, ठीक है, माइनस 720, इसको पहले माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको माइनस करिए तो ये आ गया 300, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कहता है कि 2 वर्षों का, ठीक है, एसआई ब्याज 300/5 × 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया 60, यानी 60 × 2 120, ठीक है दोस्तों, रुपीज। तो उसके बाद मूलधन इसका कह रहा है, यहाँ पर मूलधन राशि अभी वही पूछता है, यानी 720 - 120, यानी 600 रुपीज़ इसका आंसर हो गया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले 5 वर्ष का एसआई हो गया 10-20 और 720 में 300, फिर 2 वर्ष के बाद का पूछा धनराशि, तो 2 वर्ष का हो गया 300 × 5, 5 वर्ष, ठीक है, और × 2, ठीक है, तो हो गया 60 × 2 120। यहाँ मूलधन बोल रहा है तो जितना आएगा उसी में से उसको माइनस कर दिए, यानी 720 है, और उसमें 100 120, यानी 2 वर्ष के बारे में पूछा, तो ये हो गया आपको 600 दोस्तों आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मेरा फिर से न्यू वीडियो है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पर 22 शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो धन क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि धन क्या होगा, तो पहले हमें लिखना है 100, ठीक है, फिर 9 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर इन दोनों को पहले हमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, 5, ठीक है, 9 वर्ष और 5 वर्ष, पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, यानी 100 - ये 4, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 5% वार्षिक, 5% और 9 वर्ष, तो इसको हम करेंगे, फिर यहाँ पर 10% है, तो दोस्तों आप इसे पहले 100 फिर 10, ठीक है, ये 10% कर दिए, ठीक है। तब आप यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 10 बार में, और ये कट जाएगा आपका 25 बार में, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 10 × 25, यानी 2500 रुपीस आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। यानी आपको जब दोनों 9 वर्ष 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 सेम है, तो आप यहाँ पर इससे माइनस कर दीजिए तो 4 आएगा, फिर 10% है तो 10/100 तो लिखिएगा ही आप, या 100, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए तो 100/10 हो गया, फिर उसको आप क्रॉस करके काटिएगा दोस्तों, तो आपको इतना आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है इस 1,000 रुपये की राशि का पहला 2 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा क्या, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप पहले देखिए आपको क्या निकालना है, ब्याज, ठीक है, तो ब्याज होगा, ये ब्याज हो गया 1,000/100 × ठीक है। अब देखिए 2
गुने 5 वर्ष, ठीक है, प्लस 3 गुने 8 वर्ष, प्लस 5 गुने 10 वर्ष, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर यहाँ से पहले कट करते हैं तो ये देखिए ये 2 है, तो एक तो इससे तो 100 कट गया, फिर 10, यानी 10 गुने 5 दूनी 10 प्लस 38 24 प्लस 10 5 50, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको हो गया, फिर आप इसको कैलकुलेट करिए 10, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर करिएगा दोस्तों, 50 160 और ये 20 84 हो गया, ठीक है। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर आप यहाँ पर करिए 10 गुने, फिर आप इंटू करिए 84 को, तो आपको हो जाएगा 840, ठीक रुपया आंसर। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। देखिए 1000 रुपया राशि है, उसे रख दिए बराबर 100 गुने 2 वर्ष 5%, ठीक है, 3 वर्ष 8%, ठीक है, फिर 5 वर्ष 10% ब्याज दर, तो 10 गुने 10 प्लस 24 प्लस 50, तो 10 गुने 84, ठीक है दोस्तों, तो 10 गुने 84 बाई 840 आंसर हो जाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, धन्यवाद।